चलिए एक और क्लास, एक और ये एग्जांपल करते हैं। कांस्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ ट्रॉली ऑफ इनिशियल मास एम नॉट, केप्ट ओवर स्मूथ सरफेस, सैंड इज पोर्ड जेंटली ओवर द ट्रॉली एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ म्यू केजी मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम टी। ध्यान से देखिए, ये जो सैंड है, ये सैंड जो नीचे गिर रहा है, तो ये सैंड जो था वो सैंड तो इधर कुछ वेलोसिटी था नहीं, वो केवल इधर ही गिर रहा है। अब यहां पे गिरने के बाद सैंड का वेलोसिटी इधर हो गया, क्लियर गया सर? नो, ट्रॉली पे गिरा तो हुआ ना, सैंड का, सैंड ट्रॉली पे ही आ गया तो ट्रॉली के साथ जाने लगेगा ना। तो इसका मतलब कि सैंड पे इधर फोर्स लगा, इसका मतलब कि इस ट्रॉली पे इधर फोर्स लगा, क्लियर है क्या? यस सर नो। ये एफ, ठीक है, लेट अस से टाइम टी के बाद इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी, इतना। तो इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है म्यू इंटू वी, कॉन्स्टेंट रेट, बेसिकली वी डीएम बाई डी टी, ठीक है। तो टाइम टी के बाद, आफ्टर टाइम टी, जो है इसका मास हो गया एम नॉट प्लस म्यू टी, ठीक है ना, ये टाइम टी पे हम बता रहे हैं, ठीक है। और इस पे फोर्स लग रहा है इधर एफ, और इधर फोर्स लग रहा है म्यू इनटू वी, क्लियर है क्या? और इसका वेलोसिटी जो है इधर है वी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डीवी बाय डीटी, ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन है, ये हो जाएगा एफ माइनस म्यू वी अपॉन इसका जो मास है, इसका मास है एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी, क्लियर है क्या? अच्छा, तो टाइम टी के बाद इसका मास ऑफ द ट्रॉली विथ सैंड क्या हो जाएगा, एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी, इसमें कोई दिक्कत? नेट फोर्स ऑन द ट्रॉली, नेट फोर्स हो जाएगा, एफ तो इधर लग ही रहा है, एफ माइनस म्यू इंटू वी, वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली जो है ये है वी, क्लियर है क्या? ठीक है ना। अब एक्चुअली ये हम लोग यहाँ पे एफ माइनस म्यू म्यू वी लिख दिए हैं, यहाँ पे भी वी लिख दिए हैं, लेकिन एक्चुअली वी हम लोग को पता नहीं, वी तो निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू वी बटे एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी, डी वी अपॉन एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू टी बाय डी टी, क्लियर है क्या? इंटीग्रेट करेंगे जीरो से टी तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो था, फाइनल वेलोसिटी वी, एल एन एफ माइनस म्यू वी
डिवाइडेड बाय माइनस म्यू, जीरो से वी, एलएन एम नॉट प्लस म्यू टी डिवाइडेड बाय म्यू, जीरो से लेकर के टी तक। क्लियर है क्या ये इंटीग्रेशन में एलएन आ जाएगा? म्यू म्यू कट गया, क्लियर है क्या? इसको रिवर्स कर दिया, हमको v निकालना है ना, वन माइनस यू वी बाय एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा v? एफ टी डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी। v इज इक्वल टू एफ इन टू टी डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी। क्लियर है? तो नेट फोर्स ऑन द ट्रॉली हो जाएगा F माइनस म्यू वी, दैट इज एफ टी इंटू म्यू बटे एम नॉट प्लस म्यू टी। क्लियर है क्या? तो हो जाएगा एफ एम नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी। ये हो गया नेट फोर्स। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली तो हमारा निकलेंगे वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है सर? नो no?